हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी 2022 11 या 12 दिसंबर शुभ मुहूर्त चंद्रोदय समय आज करना न भूलें एक छोटा सा काम। प्रत्येक माह की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह तिथि भगवान गणेश जी को बेहद प्रिय है। गणेश जी सभी देवों में प्रथम पूज्य माने गए हैं, जो अपने भक्तों को बुद्धि विद्या और धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मांगसिर मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से चतुर्थी के दिन गणेश जी की आराधना करता है उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम आपको मांगसिर महाकृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय समय, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। संकष्टी चतुर्थी शुभ मुहूर्त 2022 साल 2022 में गणाधिप कृष्ण संकष्टी चतुर्थी 12 नवंबर शनिवार के दिन है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर रात्रि 8:17 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर रात्रि 10:25 पर। चंद्रोदय का समय होगा 12 नवंबर रात्रि 8:21 पर। गणेश चतुर्थी पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर हरे रंग का वस्त्र बिछाएं और इस चौकी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी का आवाहन करते हुए उन्हें कुमकुम से तिलक करें। अब गणेश जी को उनका प्रिय सिंदूर, फूल, फल, वस्त्र, नैवेद्य और उनका प्रिय दूर्वा अर्पित करते हुए धूप दीप जलाएं। इसके बाद भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप और श्री गणेश स्रोत का पाठ करें। अंत में लड्डुओं का भोग लगाएं और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को जल का अर्घ देकर व्रत संपन्न करें। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी उपाय। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली। भगवान गणेश जी बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य देने वाले देवता हैं। शास्त्रों में इनकी पूजा का विशेष महत्व है, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले इनकी ही पूजा की जाती है। मान्यता है कि चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता की आराधना और आसान उपाय किए जाएं तो व्यक्ति के सारे संकट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को 5 दूर्वा अर्पित करें और दूर्वा अर्पित करते समय इदम दूर्वादलम ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन मौली में 21 दूर्वा पिरोकर इसकी माला बनाएं और गणेश जी को अर्पित करें, इससे मनोकामना पूरी होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को 21 लड्डुओं का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को उनका प्रिय सिंदूर ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पण करने से आर्थिक लाभ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।